मुलायम सोनिया और वर्ग सहित राजनीति के बड़े बड़े योद्धा 18वीं लोकसभा में नहीं आएंगे नजर। इनके टिकटों पर लगी टकटकी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। अरसे तक राजनीति के फलक पर चमकने वाले कई सितारों ने 17वीं लोकसभा को भी रोशन किया। यह बात और है कि राजनीति में पराक्रम के बल पर पिछले आम चुनावों में जीत दर्ज कर संसद पहुंचने वाले कई ऐसे सूरमा अब 18वीं लोकसभा में नजर नहीं आएंगे। 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे राजनीति के पहलवान मुलायम सिंह यादव की कमी 18वीं लोकसभा में पक्ष विपक्ष सभी को खलेगी। 10 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए मुलायम को अपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में संसद में 4 लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी, संभल, कन्नौज और आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ। यारों के यार कहे जाने वाले मुलायम ने इटावा में अपने पैतृक गाँव सेफई की पगडंडियों से राजनीतिक सफर शुरू कर राजनीति की बुलंदियों को छुआ है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री पद को संभालने वाले मुलायम के खाते में समाजवादी पार्टी की स्थापना का श्रेय भी जाता है। उनकी छत्र छाया में फले फूले सेपई के यादव परिवार की गिनती देश के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में होती है। 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे मुलायम ने 10 अक्टूबर 2022 को दुनिया को अलविदा कह दिया। भाजपा के दिग्गज नेता और लंबे समय तक बरेली और रोहेलखंड के पार्टी का पर्याय रहे संतोष गंगवार भी 18वीं लोकसभा में नजर नहीं आएंगे। लोकसभा में अपनी 8 पारियों के दौरान उन्होंने संसद में लगभग 30 वर्ष गुजारे हैं। वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव में मामूली अंतर से हुई हार से पहले वह लोकसभा चुनाव में एंट्री की डबल हैट्रिक लगा चुके थे। इसके बाद वह 16वीं और 17वीं लोकसभा में सदस्य रहे हैं। पार्टी की ओर से तय की गई 75 वर्ष की आयु सीमा पार करने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री गंगवार को 18वीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी के टिकट से वंचित होना पड़ा। गांधी परिवार की बहू और 25 वर्षों तक कांग्रेस की बागडोर थामने वाली सोनिया गांधी को व्यवहारिकता के तकाजे से पार्टी की कुल माता कहा जा सकता है। 18वीं लोकसभा में उनकी भी कमी महसूस होगी। लोकसभा से उनका रिश्ता 1999 में शुरू हुआ था, जब दिवंगत पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अमेठी सीट के साथ कर्नाटक के बेल्लारी सीट से चुनाव जीतकर उन्होंने संसद में दस्तक दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।